इंडिया में मैच हो रहा है तो आपको पता है कि स्टेडियम के पिच अच्छे होते हैं बैट्समैन के लिए भी और बॉलर के लिए भी। जैसे फर्स्ट इनिंग में मैंने मतलब मैं उधर भी कर सकता था, क्रिकेट है कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक चांस था कि मैं उस इनिंग को 40 को लंबा कर सकता था, तो उधर वो मैंने मिस्टेक की। तो सेकेंड इनिंग में वही चीज़ मैंने अवॉइड की जो गलती मैंने फर्स्ट इनिंग में की थी। तो इसी तरह मतलब पिच भी अच्छा खेल रहा था, अगर आप प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेलो तो आपको इतना आप डिस्टर्ब नहीं थे हो रहे बॉलर से। जी बिल्कुल, जैसे दूसरी ग्राउंड्स हैं उधर ज़्यादा स्लो पिचेज़ हैं, लेकिन उनके मुकाबले में अगर स्टेडियम में देखा जाए तो इधर फास्ट बॉलर को हेल्प मिलती है। जैसे उनके फास्ट बॉलर्स ने बॉलिंग की है, ताबिश भाई ने 4 आउट किए हैं, वो दानी ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, तो इस पिच में फास्ट बॉलर के लिए भी हेल्प थी। लेकिन फिर भी बात वही है कि अगर आप प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट पर रहो तो आप रन्स करते हो। जी बिल्कुल, कोकाबुरा का बॉल है तो फास्ट बॉलर को आसानी से विकटें नहीं मिल रही, उसको मतलब एफर्ट करनी पड़ती है। तो जो इससे पहले सीजन्स में ऐसा नहीं था, वो ड्यूक का बॉल था तो इजीली विकेट मिल जाती थी, तो इसमें बॉलर को एफर्ट करनी पड़ रही है। जो अच्छे बॉलर्स हैं एक्सपीरियंस हैं वो आउट भी कर रहे हैं, और बिल्कुल कंडीशंस ऐसी हैं जैसे दूसरी ग्राउंड्स में हैं, और इसमें भी स्पिनर को टर्न मिल रहा है जिसकी वजह से स्पिनर ज़्यादा आउट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जो भी प्लेयर होता है मकसद उसका यही होता है कि वो मैक्सिमम रन्स करे, तो मेरा भी यही है कि मैं जैसे 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 ये इनिंग खेलूँ इसमें से भी मुझे पता है क्या सीखने वाला है और क्या मैंने चीज़ इसमें भी गलती की है, तो कोशिश करूँगा कि वो गलती को सामने रखूँ, उसको दोबारा मिस्टेक वैसे की ना हो, और जितना लंबा अपनी इनिंग को नेक्स्ट आने वाले मैचेस में कर सकूंगा तो कोशिश करूंगा करूं।